सिनेमाघर के सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। मित्रों, सिनेमाघर में आज बात फिल्म मृग तृष्णा की। ये फिल्म रिलीज हुई वर्ष 1975 में। फिल्म के निर्माता जगदीश नाहटा, फिल्म के निर्देशक रहे राजेंद्र नाथ शुक्ला। फिल्म मृग तृष्णा के मुख्य किरदार राकेश पांडे मनसा के किरदार में दिखाई दिए। योगिता बाली राजकुमारी संध्या की भूमिका में पर्दे पर सामने आई। मनीषा सावित्री यानी मनसा की पत्नी की भूमिका में रही। जलालागा भीमा की भूमिका में थे। शाहियागा जमुना यानी भीमा की पत्नी की भूमिका में दिखाई दी। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी गेस्ट अपीयरेंस में इस फिल्म में रही। आपने निभाई दरबार में नर्तकी की भूमिका। दीना पाठक राजकुमारी संध्या की दासी की भूमिका में रही। सोना मस्तान मिर्जा पर फिल्माया गया गीत सजना संगाई बहार। फिल्म के मधुर गीतों को संगीत से सजाया मदन सेन और शंभू सेन। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मेहंदी हसन, मदन सेन की मनमोहक आवाजों से सजे इस फिल्म के गीत। ये सच है कि फिल्म बहुत सफल तो नहीं रही, लेकिन फिल्म के सुंदर गीत दिल में उतर जाते हैं, जो आगे आप सुनेंगे। ऐसे सुंदर गीतों से सजी ये फिल्म मृग तृष्णा बहुत ही लोकप्रिय तो नहीं रही, लेकिन इसके गीत बहुत ही सुंदर बन पड़े। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी शुरू होती है वर्ष 1852 के एक परिदृश्य से, जहां युद्ध विभीषिका दिखाई गई है। हर ओर चीत्कार सुनाई दे रही है, तभी दृश्य बदलता है। ड्रम की तेज ध्वनि के साथ किले का दृश्य दिखाया जाता है। अभी दर्शक को समझ पाते इससे पहले ही अगले सीन में शांत और सुहानी सुबह दिखाई जाती है। सूर्योदय की सुंदर बेला है। कुएं से एक नारी पानी निकाल रही है। तभी एक बुजुर्ग महिला द्वार पर आती है, भीख मांगती है। पानी भरना छोड़कर वो महिला अंदर जाती है। लहंगा चोली की वेशभूषा में सजी ये महिला अपने आंचल में अनाज बांध कर लाती है, मांगने वाली स्त्री को देती है। वो स्त्री चली जाती है। अब वो महिला पुनः कुएं से पानी भरने लगती है। साथ ही उसकी सखी भी है। वो पूछती है, अरे जमुना, तेरे हाथ में क्या हुआ? तेरा हाथ कैसे जल गया? जमुना का जवाब तो नहीं आता, लेकिन प्रणय निवेदन का दृश्य पर्दे पर आता है, जहां जमुना अपने प्रियतम के साथ है। और इसी दौरान वो हाथ से ही दिए को बंद करती हुई दिखाई देती है। एक बार पुनः घोड़ों की टाप और परेड करते हुए सैनिक पर्दे पर दिखाई देते हैं। विशालकाय किला जिसमें सैनिक दिखाई देते हैं। फिल्म में एक बार सैनिकों की चहलकदमी है तो एक बार गांव का दृश्य दर्शकों के सामने आता है। गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। अरे बनवारी, कुछ सुना?
गदर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से फौज में भर्ती चालू हो गई है। तो दूसरा गांववासी कहता है, हाँ हाँ भैया, फौज में भर्ती होने के लिए ये तो अच्छा मौका है। हर घर में यही बातें हो रही हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े में लोग एक दूसरे से कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं अगर कुछ नहीं करता तो अब मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा। पति भी पत्नी से कहता है, ज्यादा ताने मारोगी तो फौज में भर्ती हो जाऊंगा, तब सारे गांव वालों के सामने तुम भी मुझे सलामी दोगी और सारे गांव वाले तो सलामी देंगे ही। ये बातें चल रही है जमुना और भीमा यानी पति पत्नी के बीच। जमुना कहती है, अरे हाँ, लाठी तो पकड़ नहीं सकते, फौज में क्या भर्ती होगे? फौज में भर्ती होना कोई आसान बात थोड़ी है। तलवार टांगने जैसा थोड़ी ही है ये कोई काम। फौज में भर्ती होना तो बड़ी हिम्मत का काम होता है। पति जवाब देता है और जवाब देते हुए घर से बाहर निकल जाता है, देख लेना मैं एक दिन सैनिक बनकर आऊंगा। और इस तरह से वो मिट्टी से बने बर्तनों की गाड़ी लेकर गांव से शहर की ओर निकल जाता है। तभी गांव के मुखिया कहते हैं, हर ओर हाहाकार मचा हुआ है, ये भीमा और मनसा शहर की ओर क्यों चले गए? कभी भी हमारे गांव पर हमला हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। भीमा और मनसा साथ के गांव में हैं, लेकिन मनसा तो वापस आ जाता है, भीमा एक गोरे सिपाही के पीछे पीछे चला जाता है। वहां जाकर गिड़गिड़ाता है, फौज में भर्ती कर लो साहब। सारे सिपाही मार पीट कर भीमा को नदी में फेंक देते हैं और जोर से हंसते हैं, लाठी तो लेकर आया नहीं, भाला पकड़ेगा तू फौज में भर्ती होकर। इधर मनसा शहर को वापस आ जाता है, अपनी बेटी और पत्नी के लिए उपहार लाया है, दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। तभी मनसा पत्नी से कहता है, और भी कुछ है देखो ना झोले में। पत्नी झांक कर देखती है, और यहां पर आपको बताते चलें कि पत्नी का नाम है सावित्री। मनसा अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी जाकर झोले में टटोलती है, अरे वाह मिठाई। पत्नी खुश है। मनसा कहता है, बहुत दिन से मिठाई नहीं खाई थी तो ले आया। पत्नी कहती है, ब्याहे में ही तो खाई थी, उसके बाद आज खा रहे हैं। मनसा कहता है, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है सावित्री। यहां पर ये देखने वाली बात है कि गरीबी इस कदर है कि मिठाई खाना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सावित्री बताती है, मुखिया जी आए थे, बता रहे थे गदर मचा हुआ है, अब तुम शहर मत जाना, हमारे पास जो पैसा है उसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन मनसा कहता है, यही तो समय है पैसा कमाने का, जब अकाल पड़े युद्ध हो तभी तो सामान कई गुने दाम में बिकता है। लेकिन पत्नी समझाती है, तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो। ये बात चल ही रही होती है कि झोपड़ी की खिड़की पर एक महिला दिखाई देती है, वो जमुना है। जमुना मनसा से वहीं से पूछती है, भीमा अभी तक घर नहीं आया, कहाँ है वो? मनसा कहता है, उस गंवार को फौज में कौन भर्ती करेगा, आ जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। तभी भीमा आ जाता है। जमुना उसकी हालत देखकर कहती है, हो गई फौज में भर्ती, चलो अब घर चलो। अगले दृश्य में भीमा और मनसा दोनों अपने काम में लगे हैं। बड़ी तल्लीनता के साथ चाक चलाकर दोनों मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इस समय काम ज्यादा ही जोरों पर है दोनों का। दोनों की पत्नियां आपस में बातें कर रही हैं। इन दोनों ने इस बार बहुत मेहनत की है। इधर एक एक पैसे के लिए गांव में लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उधर गांव गांव गोरों का कहर जारी है।
उठते बैठते बस एक ही डर छाया हुआ है कि कहीं अंग्रेज सैनिक हमला न कर दें गांव पर। ये बातें आपस में मनसा और भीमा की पत्नी कर ही रही होती हैं कि तभी गांव वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों जाकर भीमा और मनसा को उठाती हैं। मनसा उठता है और देखता है कि चारों ओर चीत्कार मची हुई है। भीमा, जिसे सोते उठते धुन है कि उसे बर्तन जो मिट्टी के बने हुए हैं वो कहीं बुझ ना जाए और उसकी भट्टी बुझ ना जाए, मनसा और भीमा दोनों ही बेतहाशा अपनी भट्टी की ओर भागते हैं कि कहीं अंग्रेजों ने उसकी भट्टी को तो नहीं तोड़ दिया, क्योंकि बर्तन बेचकर उसे पैसा लाना है। इसलिए सबसे पहले दौड़कर वो दोनों भट्टी की ओर पहुंचते हैं। कुछ भी हो, ये भट्टी बुझनी नहीं चाहिए, मनसा कहता है। ये कहते हुए भट्टी में लकड़ी डालने लगता है। सभी उससे भागने को कहते हैं लेकिन वो लकड़ियां लगाने में व्यस्त है। तभी शोर करीब आता जान पड़ता है। रात का घनघोर अंधेरा है, सिर्फ चारों ओर चीत्कार सुनाई दे रही है। घोड़ों की टापों से उन्हें एहसास हो जाता है कि अंग्रेज सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसी तरह छुपते छुपाते भीमा और मनसा निकलते हैं। आखिरकार अंग्रेज तबाही मचाकर जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर मनसा के भट्टे पर पड़ती है। सारे सैनिक वहां पहुंचते हैं, कहते हैं, देखो यहां क्या छुपा कर रखा है। तभी एक सैनिक कहता है कि कुछ नहीं है साहब, मिट्टी के बर्तन है। घोड़े पर बैठा सैनिक कहता है, तो इसे छोड़ो, आगे बढ़ो। ये घटना दूर से छिपकर मनसा और भीमा और उनकी पत्नियां देख रही हैं। अंग्रेज सैनिकों के जाते ही दोनों भट्टी के पास आते हैं। देखकर हैरान हो जाते हैं कि भट्टी तो बुझ गई है लेकिन बर्तन पक चुके हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुख्य मार्ग से सेना चारों ओर दिखाई दे रही है, चारों ओर सैनिक हैं। ऐसे में मनसा और भीमा ये प्रयास करते हैं कि किसी तरह से इन बर्तनों को लेकर गांव से बाहर जाया जाए। अब एक नौका का इंतजाम किया जाता है। वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ उस नौका में बैठकर पानी के रास्ते यानी झील के रास्ते होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। राहत की सांस लेते हैं दोनों राह में पहुंचकर। कहते हैं, अच्छा हुआ कि पानी के रास्ते हम सभी निकल पड़े, नहीं तो हम में से किसी की जान भी नहीं बचती। ये कहते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी सपनों की दुनिया जैसे सिमटने लगती है। सहसा एक नाव और दिखाई देती है जिसमें कोई बैठा हुआ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। मनसा और भीमा की पत्नी कहती है, ये इसमें कौन बैठा है जो दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा लग रहा है बैठा नहीं, लेटा हुआ है। जैसे ही वो नाव पास आती है वो सभी देखते हैं उसमें एक घायल व्यक्ति पड़ा है। वो बताता है, आगे बहुत खतरा है, डाकू नावों को लूट रहे हैं, तुम लोग जान माल की रक्षा करना, साथ में औरतें जो तुम्हारे साथ हैं तुम उनकी भी रक्षा करो, अगर हो सके तो रास्ता बदल लो, तुम्हें इधर से गुजरना ठीक नहीं रहेगा। इतना कहकर वो व्यक्ति नाव में ही मर जाता है। ये सुनते ही नाव को गांव की ओर वापस मोड़ देते हैं मनसा और भीमा, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके घर की औरतों को कोई खतरा ना हो जाए। भयंकर कोहरे को चीरती हुई नाव वापस गांव की ओर चल देती है। धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही है नाव और जैसे उनके सपने एक बार फिर से बिखरने लगते हैं। अब मनसा अपनी पत्नी और बेटी को गांव में सुरक्षित रहने की हिदायत देकर दोबारा नाव लेकर वापस जाना चाहता है। भीमा भी साथ चल देता है।
तभी जमुना भी जिद करके भीमा के साथ चल पड़ती है। ये दोनों ही अब राजगढ़ पहुंच जाते हैं, यानी वहां मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर देते हैं। बर्तनों की बिक्री करते करते एक दिन वो आता है जब राजगढ़ की राजकुमारी संध्या देवी को उसके बनाए बर्तन पसंद आ जाते हैं। उसे फूलदान बेहद पसंद आता है। संध्या देवी जो कि अपनी दासी के साथ बाजार आई हुई है, अब संध्या देवी कहती है मनसा से कि ये बर्तन बेहद खूबसूरत हैं, तुम इन्हें लेकर मेरे महल आ जाओ, हम दोनों झील महल में रहते हैं। यहां आपको ये बताते चले कि दीना पाठक है संध्या की दासी की भूमिका में। दासी कहती है तुम हमारे पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि झील महल का रास्ता बहुत ही वीराना है और टेढ़ा मेढ़ा है, शायद तुम वहां पर पहुंच नहीं पाओगे। ये सुनते ही मनसा साथ में चल देता है। एक बहुत ही वीराना सा महल है जहां मनसा राजकुमारी संध्या और उसकी दासी के साथ पहुंच जाता है। यहां पर उसका भरपूर स्वागत होता है। मनसा हैरान है कि ये सब क्या है, क्यों इस तरह से उसका स्वागत हो रहा है। तभी दासी बताती है कि तुम चौंको मत, यहां हम दोनों अकेले रहते हैं, क्योंकि सभी सैनिक अंग्रेजों ने मार दिए और साथ साथ राजगढ़ के महाराजा की भी हत्या कर दी गई, इसलिए हम सारी दुनिया से छिपकर यहां पर रहते हैं, किसी को पता नहीं है कि हम जिंदा हैं। मनसा हैरान है, कुछ नहीं बोल पाता। ऐसे में सहसा राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव उसकी दासी रखती है। कहती है तुम कुछ सोचो मत, राजकुमारी संध्या से विवाह कर लो। फिल्म में सब कुछ इस समय अचरज में डालने वाला है, क्योंकि सहसा ही किसी के आते ही शादी का प्रस्ताव रख देना कुछ आश्चर्य में डालने वाला तो था, लेकिन विवाह हो जाता है। मनसा ऐसे मूक है जैसे बोलना ही नहीं जानता। वो राजकुमारी संध्या से विवाह कर लेता है और पूरी तरह से उसके मोह पाश में बंध जाता है। राजकुमारी संध्या के स्वर झील महल में गूंज उठते हैं, मानो वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी मनसा की।
तभी तेज आंधी आती है और झील महल में जल रहे दिए बुझ जाते हैं। दासी बताती है, युद्ध में राजगढ़ के महाराज के साथ सभी सैनिक मारे गए, बस मैं और राजकुमारी बचे हैं। ये बात वो बार बार दोहराती है और कहती है, महाराजा साहब की आत्मा अभी तक महल में विचरती है, आज वो राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मनसा जैसे नींद में है, उसकी नींद खुलती है, वो पूछता है, मैं कहाँ हूँ? राजकुमारी हंसते हुए कहती है, अभी से सब कुछ भूल गए। तभी दासी की आवाज आती है, तुम लोग सोकर उठ गए, नहाने की तैयारी हो गई है। थोड़ी देर बाद मनसा देखता है राजकुमारी को दूध से दासियां स्नान करा रही हैं। हैरत से देख रहा है मनसा, जैसे अपने घर परिवार को भूल चुका है, राजकुमारी के प्रेम पाश में बनता चला जा रहा है। धन दौलत की चकाचौंध उसको पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। उधर मनसा की पत्नी सावित्री गांव में आंसुओं के सहारे जीवन जी रही है। खुशियां हैं तो गम, कहीं पर ये गम
पूरी तरह से दस्तक दे रहे हैं तो कहीं पर खुशियां अपनी दस्तक दे रही हैं। जी हाँ, एक तरफ मनसा के घर का ये आलम है तो वहीं दूसरी ओर भीमा का सैनिक बनने का सपना पूरा होने को है। वो पेड़ की डाल पर बैठा अपने सपनों की दुनिया में खोया है, तभी वो देखता है एक सैनिक किसी घायल राजा को ले जा रहा है। राजा बार बार अपने सैनिक से कह रहे हैं, मुझे गोरों के हाथ मत लगने देना। भीमा आव देखता है नताव, पेड़ से नीचे कूदता है, भाले से राजा के सैनिक को ही मार डालता है। ये देखकर राजा की भी मौत हो जाती है। अब वो राजा को घोड़े पर लादकर गोरों के किले पर पहुंचता है, वही किला जहां पर वो विनती कर रहा था कि मुझे सैनिक बना दो। ये देखकर अंग्रेज बहुत खुश होते हैं कि वो किसी को इस तरह से मार कर लाया है। अरे ये तो राजा जयसिंह है, ये तो बहुत ही बहादुर है, इन्हें तो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, तुमने इनको कैसे मारा, तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो। ये सुनकर भीमा खुश हो जाता है। इस बहादुरी के बदले अंग्रेज सिपाही कहता है, तुम क्या मांगना चाहते हो, इनाम मांगो। भीमा का तो सपना था ही सैनिक बनने का, वो झट से कहता है, मैं सैनिक बनना चाहता हूं साहब, और एक घोड़ा और कुछ सैनिक भी मुझे चाहिए। अंग्रेज सिपाही भीमा की वफादारी के बदले उसे ये इनाम दे देता है। अब तो भीमा सैनिक की वर्दी में अपने गांव की ओर जाता है, तभी राह में कुछ गांव वाले उससे रुकने का आग्रह करते हैं, जहां उसके स्वागत के लिए मनोरंजन का इंतजाम भी किया जाता है।
सजना से जब प्रीत लगाओ, बाहों का ये हार पहनाओ, मुख से घूंघटा जब मैं हटाऊं, नैन मिलाऊं नैन चुराऊं, नैन मिलाऊं नैन चुराऊं, पीपो दिखाऊं, देखो बन आए सजना, देखो बन आए सजना सरदार, हार मोड़े कंगना में, देखो बन आए सजना सरदार, हार मोड़े कंगना में, मोरे सजना समाई बहार, हार मोड़े अंगना में। भीमा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अपने गांव से दूर रहकर उसे ये भी खबर नहीं कि जमुना की इज्जत के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया है और अब जमुना मजबूरी में देह व्यापार में लगी है। यहाँ नृत्य खत्म होते ही भीमा अपनी तारीफें कर रहा होता है, तभी जमुना उसके सामने से गुजरती है। वह जमुना जमुना करके पीछे दौड़ता है। जमुना रुकती है और कहती है, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली, सैनिक बन गए, और मैंने भी तरक्की कर ली। हर दिन नए नए जेवर और कपड़े पहनती हूँ, हर दिन अलग अलग लोगों का दिल बहलाती हूँ। ये कहते कहते वो रो पड़ती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भीमा कहता है, मेरी वजह से क्यों? तुम ही तो कहती थी सारे दिन पड़े रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते, तुम मुझे सैनिक बनने की धुन सवार हो गई। जमुना की हालत देखकर भीमा रो पड़ता है, उसे गले लगा लेता है। जमुना कहती है, वो अब उसकी पत्नी कहलाने लायक नहीं है, लेकिन भीमा उसे अपना लेता है। दृश्य बदलता है, अब एक बार पुनः राजगढ़ के महल का दृश्य सामने आता है। अत्यंत खूबसूरत नर्तकी नृत्य कर रही है। प्रति अंग शुभांग सुहावे, नैन अधर कटि नृत्य दिखावे। नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, स
सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की नवकल्पना। आपको बताते चले कि राजगढ़ की नर्तकी के रूप में यह नृत्य अदाकारा हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1975 में प्रदर्शित मृगतृष्णा में शास्त्रीय नृत्य नवकल्पना नवरूप को अभिनेत्री हेमा मालिनी अपने जीवन का सबसे अच्छा शास्त्रीय नृत्य मानती हैं। इस गाने के छायांकन के पीछे भी एक रोचक कहानी है। इस फिल्म के निर्माता जगदीश नाहटा अपनी पूरी तरह से तैयार यूनिट के साथ
हेमा जी का जोधपुर में इंतजार कर रहे थे और वो बेंगलुरु में रमेश सिप्पी जी की फिल्म शोले की शूटिंग में फंसी हुई थी। सिप्पी साहब हेमा जी को कुछ दिन के लिए जाने नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि उनकी फिल्म विलंबित हो रही थी। इतना ही नहीं, बजट भी बढ़ता जा रहा था। काफी आग्रह के बाद 3 दिन का समय हेमा जी को मिला। मृत तृष्णा के शूट के लिए हेमा मालिनी जोधपुर पहुंची और 2 रातों तक इस गीत के लिए, इस फिल्म के लिए जोधपुर राजमहल में शूटिंग हुई। हेमा जी के लिए ये नृत्य अविस्मरणीय है, ऐसा उनके मुख से अक्सर सुनने को मिलता है। बहरहाल अब आ जाते हैं फिल्म की कहानी पर। इस गीत के बाद फिल्म में एक रहस्यमय परिवर्तन आता है। गीत खत्म होते ही दृश्य दिखाया जाता है कि राजकुमारी संध्या और मनसा का विवाह तो हो गया है लेकिन उनके बीच नजदीकियां नहीं है। मनसा को कहीं ना कहीं अब अपने घर का ख्याल आने लगा है। उसे लगने लगा है कि ये दौलत की चकाचौंध उसके लिए किस काम की। राजकुमारी संध्या जैसे उसे नींद से जगाने का प्रयास करती हैं, बार बार उससे कहती हैं कि ऐसा लगता है कि तुम कहीं खोए हुए हो, तुम्हें कोई परेशानी है क्या हमारे राजमहल में। मनसा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तभी दासी की आवाज आती है, तुम महल से बाहर मत जाया करो, हमारे लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं इसलिए तुम्हारा मन भटकता है। मनसा को भी जैसे अंदर से राहत नहीं मिल रही। राजकुमारी समझ जाती है, हंसने लगती है, तुम्हें मुझ पे शक तो नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ और सोचते हो। मनसा कोई जवाब नहीं देता। तभी मनसा आश्चर्य में पड़ जाता है क्योंकि राजकुमारी उसके नजदीक आकर कहती है, तुम्हारे शरीर पर जो ये मंत्र गुदे हुए हैं इनको हटा दो, इनकी वजह से हमारी नजदीकियां नहीं हो पाती, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाती। ये सुनकर मनसा घबरा जाता है, सोचता है कि मंत्र से इसका क्या लेना देना और ये इसकी वजह से करीब क्यों नहीं आ पाती। आश्चर्य में पड़ जाता है। कुछ सोचता इससे पहले ही उसे जाने क्या जिद सवार होती है। वो कहता है, मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं बाहर जाऊंगा, महल से बाहर जाऊंगा। लेकिन दासी और राजकुमारी दोनों उसको मनाती हैं और कहती हैं, तुम यहां पर रहो, तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे बारे में कोई नहीं जानता, हम यहां पर सुरक्षित हैं, सभी सैनिक मारे गए तो क्या हुआ, कोई यहां पर हमारे लिए नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन राजकुमारी और तुम्हारा विवाह हो गया है तो अब तुम दोनों यहां पर खुश हो। दासी इस तरह से कहती है और बार बार कोशिश करती है कि मनसा घर से बाहर ना जाए, लेकिन मनसा को अब जिद हो जाती है कि वो बाहर जाएगा। उसे घुटन होने लगी है, महल के अंदर रहते रहते वो परेशान हो गया है और उस पर रहस्यमय ढंग से दासी और राजकुमारी का बात करना कहीं ना कहीं उसको मुश्किल में डाल रहा है। वो जब जिद पर आता है तो राजकुमारी और दासी के लाख कोशिशों के बावजूद भी महल में अंदर रहना नहीं चाहता। वो तलवार उठा लेता है और तलवार से वार करता हुआ दासी और राजकुमारी से बसता हुआ महल से बाहर निकल जाता है। इस लड़ाई झगड़े में कब वो बाहर पहुंच जाता है उसे मालूम नहीं, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा है। बाहर कुछ सैनिकों ने उसे घेर रखा है। वो कहते हैं, ये राजगढ़ की तलवार तेरे पास कैसे, चुरा कर लाया है वहां से। वो कहता है, नहीं मैं चुरा कर नहीं लाया, मैं राजमहल में था। सैनिक हंसने लगते हैं और कहता है, ये चोर है और हमें बता रहा है कि ये चोरी नहीं करके आया। ये कहकर वो तलवार भी सैनिक उससे ले जाते हैं। मनसा वहीं पड़ा है। सैनिक जाते जाते उससे कहते हैं, राजगढ़ के किले में तू क्या कर रहा था, वहां तो कोई भी जिंदा नहीं है, सब मारे गए हैं।
सैनिकों की बात से उसे आभास होता है कि कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा था वो सब सपना था, सच नहीं था। सैनिक उसे बताते हैं कि वो किला तो बहुत ही खतरनाक है, वहां सिर्फ इंसान अब रहते ही नहीं है, जो रह रहे हैं वो मर चुके हैं और जिनको वो देख कर आया है वो मरे हुए इंसान है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। तभी तो राजकुमारी उसके पास आने से घबरा रही थी और वाकई बाकी लोगों से भी पता चलता है कि झील महल में कोई भी जिंदा नहीं है, कोई राजकुमारी नहीं है और उसे सिर्फ भ्रम हो रहा था और वो भ्रम जाल में फंसकर इतने दिन किले में फंसा हुआ था। अब जैसे मनसा अपनी मृग तृष्णा से बाहर आने लगता है, उसे अपने घर की याद आने लगती है, उसे सताने लगता है गम कि ये किस तरह से अपने घर पहुंचे। वो परेशान है, कितना सुकून भरा उसका जीवन था, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बेचता था लेकिन घर परिवार तो उसके साथ था। अब वो चल देता है अपने गांव की ओर। बड़ी मुश्किल से वो अपने गांव पहुंचता है। वहां जाकर वो अपने गांव में जगह जगह दरवाजे खटकाता है क्योंकि सारा गांव तो सैनिक वीरान कर चुके होते हैं। पुकारता है, सावित्री सावित्री तुम कहां हो। सावित्री को ढूंढते ढूंढते वो एक घर में पहुंचता है जहां सावित्री बैठी हुई है। कहती है, तुम आ गए, बहुत थके होगे, मैं खाना बना रही हूं, तुम खा लो। बड़ी आश्चर्यजनक घटना यहां पर भी होती है। इतने समय बाद पति वापस आया है। सावित्री जरा भी चौंकती नहीं है, इत्मीनान से उसे खाना बनाकर देती है। मनसा पूछता है, बेटी कहाँ है, मुन्नी कहाँ है हमारी। वो कहती है, अंदर सो रही है। मनसा इत्मीनान से बैठकर खाना खाता है। सावित्री को सारी घटना बताता है। कहता है, मैं कहीं ना कहीं लालच में फंस गया था। तुमने सही कहा था कि हमारे पास जो कुछ है हम उसी में काम चला लें, अपना सुखी जीवन जीते रहें। लेकिन मैं बेचारा लालच में फंस गया। मैंने सोचा ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, इस चक्कर में जाने कहां कहां मैं मुसीबतों में भटकता रहा। सावित्री कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ गए हो, बहुत थक गए होगे, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। सावित्री खाना लगाती है और इत्मीनान से बैठकर मनसा खाना खाता है। फिर खाना खाकर जाकर मुन्नी के पास लेट जाता है। मुन्नी जमीन में लेटी हुई है, उसके पास मनसा लेट जाता है। तभी दरवाजे पर आहट होती है। मनसा कहता है, कौन। देखता है मुखिया जी सामने खड़े हुए हैं। मुखिया जी उसको देखकर चौंक जाते हैं, कहते हैं, अरे मनसा तू वापस आ गया, कैसा है, इतने दिन बाद तू वापस आया, मुन्नी तो ठीक है। तो मनसा कहता है, हाँ वो तो अंदर सो रही है। आवाज देता है, सावित्री सावित्री देखो मुखिया जी आए हैं। मुखिया जी हंसने लगते हैं, कहते हैं, अरे सावित्री को कहाँ आवाज दे रहे हो, सावित्री को तो कब से सैनिकों ने कितने पहले ही मार डाला। मनसा हैरान हो जाता है कि अरे सावित्री तो अभी यही थी, मुखिया जी कैसी बात कर रहे हैं। मुखिया जी हंसते हुए चले जाते हैं, मनसा तू बहुत परेशान है इसलिए तुझे लग रहा है कि सावित्री यहीं पर है। यानी फिल्म की कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर है। उधर राजकुमारी और दासी भूत यानी कुछ रहस्यमय किरदार में है और यहां पर सावित्री भी उसे ऐसे दिखाई देती है जैसे वो सामने है। यानी अब फिल्म रहस्यमय हो चुकी है। इस तिलस्म में ये समझना मुश्किल है कि अब मनसा क्या करेगा। मनसा हैरान हो जाता है, सर पकड़कर बैठ जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे लगता है कि उसके अंदर से कहीं आवाज आ रही है। सावित्री कहती है कि तुम इस मृग तृष्णा में बहुत भटकते रहे, अब तुम तसल्ली से अपने गांव में रहो और अपना ख्याल रखो, मुन्नी का ख्याल रखो। वो समझ जाता है कि वाकई जीवन में तृष्णा में कुछ नहीं रखा। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सावित्री से मन में ही बातें करने लगता है। सावित्री तुमने सच कहा था, तुम्हारी बात अगर मैं मान लेता तो आज हम सब साथ होते, मेरा घर बिखर गया इस तृष्णा में।
और इस तरह वो परेशान होकर सिर्फ सर झुकाए बैठा रहता है। आस का झूठा बंधन टूटा, आस का झूठा बंधन टूटा, झूठा भरम और झूठी तृष्णा, झूठा भरम और झूठी तृष्णा, आस का झूठा बंधन टूटा। इस गीत के खत्म होते ही फिल्म का आखिरी सीन सामने आता है। भीमा और मनसा दोनों फिर से गांव में चाक चला रहे हैं और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, और ये फिल्म संदेश दे जाती है कि तृष्णा हमारे लिए कितनी भयानक भी हो सकती है। कभी कभी जो कुछ हमें मिला है उसमें खुश रहना बेहद जरूरी है। हमारे यहाँ विद्वानों ने भी कहा है, दुख का कारण तृष्णा, और मृग तृष्णा फिल्म इसी कहानी को उजागर करती है, इसी बात को चरितार्थ करती है। तो ये थी आज की फिल्म मृग तृष्णा। और आपको चलते चलते बता दें कि इस फिल्म में जो अनूठे गीत बने और उन पर नृत्य दर्शकों ने देखा, उसके लिए कोरियोग्राफर थी बहुत ही मकबूल कोरियोग्राफर सरोज खान। जी हाँ, इस फिल्म से उन्होंने बतौर कोरियोग्राफर शुरुआत की थी अपने फिल्मी करियर की। तो कुछ रोचक बातें और फिल्म की कहानी मृग तृष्णा
आज आपने सुनी। अब अनुराधा को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।